दोस्तों, आप भी अपनी अपर बॉडी को कितना भी ट्रेन क्यों ना कर लो, बट अगर आपकी लोअर बॉडी मस्कुलर नहीं है, कहें तो आपकी थाई आपके पूरे लेग्स नॉर्मल शेप में हैं, तो आपकी पूरी बॉडी उतनी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रांग नहीं दिखने वाली है जितनी कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। क्योंकि हमारी पूरी लोअर बॉडी ही है जो कि हमारे पूरे शरीर का एक बेस होती है, एंड इसी की उससे हमारी पूरी बॉडी अट्रैक्टिव एंड मस्कुलर बनती है। सो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी पूरी लेग मसल्स को ट्रेन करने के लिए, या तो कहें तो हैमस्ट्रांग एंड इसके साथ ही साथ ग्लूट्स मसल्स को बड़ा बनाने के लिए टफ 6 ऐसे इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जिसकी उससे आप भी अपनी लोअर बॉडी को बहुत ही जल्दी मस्कुलर बना पाएंगे। सो इसलिए आज इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूरी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के भी स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले हम समझेंगे लोअर बॉडी के बारे में, जिससे हम भी इन एक्सरसाइज के दौरान उन मसल्स पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से फील करके तगड़ा बना सकें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फुल्ली लोअर बॉडी मेजर 3 मसल्स पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट कैफ मसल्स, जो कि हमारी लोअर बॉडी का बेस होता है, एंड ये सबसे निचला वाला पार्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हैमस्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि हमारी थाई का भाग होता है, एंड इसी की उससे हम अपनी पूरी लोअर बॉडी को बहुत जल्दी अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि यह हमारी पूरी थाई मसल्स को चौड़ा बनाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ग्लूट्स मसल्स, जो कि हमारी पूरी लोअर बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, एंड इन्हीं तीनों मसल्स के कॉम्बिनेशन से हम अपनी पूरी लोअर बॉडी को मस्कुलर बना पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं एंड उन एक्सरसाइज को देख लेते हैं जिससे आप भी अपनी पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करके बड़ा बना पाओगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1, लेग प्रेस, या तो कहें तो मशीन प्रेस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारी फुल्ली लोअर बॉडी, कहें तो हैमस्ट्रॉन्ग कैफ एंड इसके साथ ही साथ ग्लूट्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन में अपने अकॉर्डिंग वेट को सेट करके अच्छे से बैठ जाना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको अपने पैरों को शोल्डर से थोड़ा कम दूरी पर करके इसे ऊपर की ओर प्रेस करना होता है। इस एक्सरसाइज में आपको एक बात का ध्यान भी रखना है कि आपको ऊपर जाने के बाद ऊपर ही 2 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन फिर से आपको स्टार्टिंग के पोजीशन में चले आना है। यही आपका एक रैप्स कहलाएगा। इसी तरह आपको 3 सेट के कम 8 से 10 रैप्स निकालने होंगे, जिससे आपकी पूरी लोअर बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में आकर बहुत ही जल्दी बड़े बन सके। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, रोमेनियन डेडलिफ्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स के साथ ही साथ हैमस्ट्रॉन्ग मसल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों में अपने वेट के अकॉर्डिंग वाले डंबल्स को, या तो कहें तो बारबेल्स को पकड़कर अपने दोनों पैरों को शोल्डर्स की जितनी दूरी पर कर लेना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको इन डंबल्स एंड बारबेल के साथ ही इस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म करना होता है। जैसा कि आप नॉर्मल वीडियो में भी देख ही सकते हो, इस एक्सरसाइज को आपको इसी तरह कम से कम 12 से 15 रैप्स निकालने होंगे, जिससे आपकी पूरी लोअर बॉडी बहुत ही जल्दी मस्कुलर बन सके। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, कैफ रेसिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मेनली आपके कैफ मसल्स को बड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी थोड़ी बहुत ऊंची जगह पर खड़े हो जाना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको अपने कैप मसल्स के सहारे अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर प्रेस करना होता है। जैसा कि आप नॉर्मली वीडियो में भी देख ही रहे होंगे, इस एक्सरसाइज को हो सके तो आप अपने हाथों में थोड़ा बहुत वेट लेकर परफॉर्म करें, जिससे आपकी पूरी लोअर बॉडी बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट में आकर बड़ी बन सके। सो इस एक्सरसाइज को आप इसी तरह 3 से 4 सेट के 10 से 12 रैप्स निकालिएगा। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, हैमस्ट्रॉन्ग कर्ल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, जो कि हमारी पूरी थाई को चौड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन में अपने अकॉर्डिंग वेट को सेट करके ब्रेंच पर लेटकर कैफ मसल्स को मशीन में फिट कर लेना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको अपने कैफ मसल्स के सहारे इसे ऊपर की ओर प्रेस करना होता है। ऊपर जाने के बाद आपको अपनी पूरी थाई को स्ट्रेच करना है, एंड फिर से आपको स्टार्टिंग के पोजीशन में चले आना है। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को 3 सेट के 12 से 15 रैप्स निकालने होंगे, और वो भी हल्के वेट से, जिससे आपकी पूरी थाई बहुत जल्दी चौड़ी बन सके। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, लंग्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज फुल्ली लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़कर कहीं भी सीधे खड़े हो जाना है। देन इतना कर लेने के बाद आपको अपने एक पैर को आगे की ओर करके नीचे की ओर दंड बैठक लगाने होते हैं, एंड फिर से आपको दूसरे पैर से इसी तरह परफॉर्म करना है। जैसा कि आप नॉर्मली वीडियो में देख ही रहे होंगे, इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को 3 सेट के 12 से 15 रैप्स निकालने होंगे, एंड हर सेट के बाद आपको अपने
अपने रैप्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहना है, जिससे आपकी पूरी बॉडी बहुत ही जल्दी मस्कुलर बन जाए। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज नंबर 6, नॉर्मल स्क्वाट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी की सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको कहीं भी सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों को शोल्डर्स की जितनी दूरी पर कर लेना है। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने पैरों को पास में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी लोअर बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड हो सके। देन इतना कर लेने के बाद आपको नॉर्मली दंड बैठक लगाने होते हैं। इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को, इन सभी एक्सरसाइज को करने के बाद 3 सेट के जितने रैप्स हो सके उतने रैप्स निकालने होंगे, जिससे आपकी पूरी लोअर बॉडी बहुत ही जल्दी मस्कुलर बन जाए। तो इन सभी एक्सरसाइज को आप जरूरी करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो की एक्सरसाइजेस कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।